जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल दीपक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा आपके लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर एक टैग बार होता है जो हमारा निचले हिस्से में होता है। ये देखिए हमारा टैग बार में एक बैटरी का आइकन होता है। देखिए हमारे लैपटॉप में वो बैटरी का आइकन नहीं है, वो गायब हो चुका है। और बैटरी के आइकन से हम जान पाते हैं कि हमारा लैपटॉप में कितना चार्ज है, कितना चार्ज हो गया, या फिर हमारा चार्जिंग लगा हुआ है या फिर नहीं, या फिर चार्ज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ऐसे कुछ हम मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन जब हमारा बैटरी आइकन ही टैग बार पर नहीं होगा तो हम कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, या फिर हम कैसे पता करेंगे कि हमारा लैपटॉप जो है कितना टाइम में शटडाउन हो जाएगा, या फिर कब चार्ज लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, कब हमारा चार्ज फुल हो गया, कब हम रिमूव करना है, कैसे पता करेंगे। सिंपल ये चीज़ जो हमारा टैग बार के ऊपर हमारा बैटरी आइकन जो गायब हो चुका है, मैं आज आपको बताऊंगा वो गायब हुआ आइकन को आप कैसे फिर से रिस्टोर कर सकते हो या फिर कैसे ले आ सकते हो आपके टैग बार के अंदर। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। बस हो गया, चलो तो देखिए सिंपल आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट के ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे, स्टार्ट में ही तो हमारा सारे सेटिंग्स से होता है ना, तो हमको सिंपल स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल हम जाएंगे सेटिंग के अंदर। विंडोज 10 के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका विंडोज 7 है तो आपके लिए और एक वीडियो में लेकर आऊँगा ताकि आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। विंडोज 7 में इतना नहीं आता ये प्रॉब्लम, लेकिन 10 में आ जाता है, कई बार आता है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो सिंपल हम जाएंगे सेटिंग के ऊपर, सेटिंग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम जाएंगे कहाँ पर जाएंगे, बहुत सारा है, सिस्टम में जाएंगे, ठीक है। सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में जाने के बाद पहले ऑप्शन में आ रहा होगा आपका डिस्प्ले, उसके बाद आता है नोटिफिकेशन आइकॉन्स, सॉरी नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस, ठीक है। तो हम सेकंड ऑप्शन पर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा आपको मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, सो दो टिप्स अबाउट विंडोज, बहुत सारा ऑप्शन ऐसे मिल जाएगा जो कि हमारा कोई भी जरूरत नहीं है वो आइकन को। तो सिंपल हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट विच आइकन अपीयर ऑन द टैग बार, इसके ऊपर हम सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग लगा, उसके बाद ये सारे प्रोग्राम जो है आपके सामने में आ जाएगा। देखिए सिंपल ये क्या है कि हमारा वॉल्यूम जो है, जब हम वॉल्यूम ऑन होता है तो यहाँ पर वॉल्यूम दिखा रहा है। सिंपल हमारा बैटरी इशू है तो पावर में आएंगे, उसके बाद सिंपल इसको ऑन कर देंगे। देखिए हमारा टैग बार में जो आइकन है वो आ गया। जैसे सिंपल हम इसको ऑफ करेंगे तो ये टैग बार में जो आइकन था वो उड़ गया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको सेट कर सकते हैं, टैग बार को ऑन करके हम इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो आप जो सिंपल वॉल्यूम बटन भी यहाँ पर ऑफ होगा तो सिंपल आपको वॉल्यूम बटन को ऑन कर देना है तो ये वॉल्यूम बटन आ जाएगा। देखिए सिंपल हम ऑफ करते हैं तो वॉल्यूम गया काम से, और जब हम ऑन करते हैं तो आ गया। ऐसे ही नेटवर्क भी काम करता है, हम नेटवर्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेटवर्क भी चला जाएगा, और नेटवर्क ऑन करेंगे तो नेटवर्क भी आ जाएगा, ठीक है। ये गया, अगर ये चीज करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको और एक चीज बताऊंगा ताकि आपका प्रॉब्लम जो है वो लोहा हो जाए, ठीक है, यानी कि काम बन जाएगा आपका। उसके बाद हम जाएंगे स्टार्ट के अंदर जाएंगे और टाइप करेंगे दिस पीसी आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आपके इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे, मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम डिवाइस मैनेजर के ऊपर जाएंगे। डिवाइस मैनेजर के ऊपर जाने के बाद सिंपल हम जाएंगे पावर कहाँ गया, बैटरी के ऊपर जाएंगे। तो सिंपल बैटरी को जो है हम थोड़ा एक्सपांड कर देंगे, साइड जो एरो मार्क दिया हुआ है, राइट एरो दिया है, उसको एक्सपांड जब करेंगे वो डाउन एरो हो जाएगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एसी अडाप्टर को हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद सिंपल हम इसको ऑन इंस्टॉल कर देंगे, जा गया, ठीक है, ये ऑन इंस्टॉल हो गया। उसके बाद सेकंड वाला जो है माइक्रोसॉफ्ट ACPI, इसको भी राइट क्लिक करेंगे, ऑन इंस्टॉल कर देंगे। बूम, अनइंस्टॉल होने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, डेस्कटॉप आपका जो डेस्कटॉप लिखा होगा डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो बैटरी जो है ये फिर से आ जाएगा, ठीक है। फिर से आ जाने जब आ जाएगा तो आपका देखिए जो बैटरी इशू है वो कम्प्लीटली शट आउट हो गया है। ये जो बैटरी आपका इशू था वो बैटरी आइकन जो नहीं आ रहा था वो कम्प्लीटली शट आउट हो गया है। ये था दो टिप्स, अगर ये दो टिप्स आपका काम नहीं दे रहा है तो सिंपली आपका जो सिस्टम है इसको फॉर्मेट कर दीजिए। लास्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मेटिंग, ये फिर दोबारा आप एक विंडो डाल दीजिए आपके सिस्टम में तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो शट आउट हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा टिप्स जो कि मैंने आपको बता दिया, आपका बैटरी नोटिफिकेशन आइकन जो है वो अगर टैग बार से हट चुका है तो आप इसको कैसे रिस्टोर करोगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना, आपका एक लाइक हमको बहुत कोऑपरेट करता है, नहीं मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो लाइक करके जाना। अगर और भी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।